अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में है ना, तो कभी ना कभी आपने तीन ये शब्द जरूर सुने होंगे, MLM, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। इन तीनों में क्या फर्क होता है, क्या ये तीनों सेम है, आज के इस एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका नेटवर्क मार्केटिंग FAQ विद दीपक बजाज में, और आज ये सीरीज का एपिसोड नंबर 34 है। अगर आपने सीरीज के बाकी 33 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर इस एपिसोड को देखने के बाद देखिएगा। आपको नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर सवाल का एक शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, एक सटीक और छोटा सा जवाब मिलेगा जो आपको और आपके टीम को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति सही गाइडेंस देगा। देखिए, ये तीन शब्द हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, MLM। जनरली स्पीकिंग इन तीनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, बोले तो कोई भी कहीं भी यूज कर लेता है, मतलब सेम होता है यार। लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि ये क्या है। अगर आप गूगल पे भी जाएंगे ना, तो आपको बहुत तरह की डिफरेंट एक्सप्लेनेशन मिलेंगी और बहुत तरह की कन्फ्यूजन मिलेंगी। काम चाहे सेम हो, लेकिन फिर भी इनमें फर्क क्या है, मैं आपको अगले 2 से 3 मिनटों में समझाता हूँ। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नाम में साफ लिखा है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। बिना किसी टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अगर एक कंपनी का प्रोडक्ट कस्टमर तक डायरेक्ट पहुंचाया जा रहा है, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट सेलिंग है। दुनिया में सैकड़ों कंपनियां हैं जो डायरेक्ट सेलिंग करती हैं, सैकड़ों कंपनियां हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके अपने खुद के एम्प्लॉयज होते हैं जो सीधा कस्टमर तक जाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, और बहुत सारी कंपनीज में इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्टली कस्टमर्स तक बेचते हैं, और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनमें डायरेक्ट सेलिंग के लिए एम्प्लॉयज भी हैं प्लस एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। अलग अलग नाम, अलग अलग मॉडल्स हैं। इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, ये बहुत बेचे जाते हैं थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। एक्वा गार्ड अगर आपने सुना हो तो ओरिजिनली, या डेल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स अगर आपने सुने हो, तो ये सारे कैसे बेचे जाते थे, थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ी है, बहुत सारे मॉडल्स और कंपनीज हैं जो इसको फॉलो करते हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग भी डायरेक्ट सेलिंग ही है। हर एक नेटवर्क मार्केटर एक डायरेक्ट सेलर भी है, प्लस नेटवर्क मार्केटिंग आपको एक मौका भी देती है, एक ऑप्शन भी देती है कि आप अपनी एक टीम भी बना लें और उनके साथ मिलकर अपने लिए एक बड़ा वॉल्यूम खड़ा कर सकते हैं। MLM की बात करें, MLM क्या है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जनरली MLM में होता क्या है, इट्स ए रिक्रूटमेंट मॉडल, लोगों की भर्ती करना होता है। MLM में आपको पैसे मिलते हैं कितने लोगों को आप रिक्रूट करते हैं उसके हिसाब से। तो अगर आप ज़्यादा लोगों को रिक्रूट करेंगे और वो लोग भी जो आपके साथ आए हैं, अगर वो भी आगे बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करते चले जाएंगे, तो फिर मल्टीपल लेवल्स पे अलग अलग तरह से कमीशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अलग अलग लेवल पे बैठे हुए लोग जब मार्केटिंग करते हैं, तो दैट बिकम्स मल्टी लेवल मार्केटिंग। और जहाँ पर बात आती है कि पैसा सिर्फ लोगों को रिक्रूट करने पर आएगा, That is kind of illegal model in most of the cases. Network marketing में भी आप लोगों को business में लेकर आते हैं, अपनी team build करते हैं, लेकिन तीन बड़े फर्क हैं यहाँ पे। पहला, network marketing में पैसे कमाने के लिए लोगों को recruit करना ज़रूरी नहीं है। आप refer करें, recommend करें, retailing करें, और खाली आप अकेले रहें और अपने products को लगातार अपने माध्यम से sell करते रहें, then also you can make money थ्रू रिटेलिंग, सेल्फ रिटेलिंग ऑल्सो। दूसरा, इनकम का लोगों की रिक्रूटमेंट से लेना देना नहीं है, इनकम का सेल्स वॉल्यूम से रिलेशन है, ना कि रिक्रूटमेंट ऑफ पीपल से है, और वो दुनिया के हर ट्रेडिशनल बिजनेस में भी होता है। एंड थर्ड एंड लास्ट, आपके जो नए एसोसिएट्स आएंगे उनके पास भी मर्जी है, वो टीम बनाना चाहें तो भी ठीक है, नहीं बनाना चाहें तो वो अकेले भी भेज सकते हैं। सो जो थे ये टेक्निकल डिफरेंसेस थे नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग और MLM के बीच में। अगर आप जानना चाहें कि कौन सी कंपनी कैसे चुनी जाए, तो इसी सीरीज में, नेटवर्क मार्केटिंग FAQ सीरीज में, हमने बहुत सारे वीडियोज डाले हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर, यूट्यूब चैनल दीपक बजाज पर, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए बहुत सारे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे कैसे आप सही कंपनी को चुन सकते हैं। फिर मेरी 4 किताबें हैं, और आप नेटवर्क मार्केटिंग के किसी भी इवेंट में जाएं, किसी भी कंपनी में जाएं, ये 4 किताबें रिकमेंड की जाती हैं। यू कैन रीड दोज बुक्स, और वो किताबें भी आपको गाइड करेंगी इस बिजनेस को सही तरह से कैसे किया जाए। तो एक कमाल का बिजनेस है, इस कमाल के बिजनेस को कमाल की मेहनत और सही सिस्टम के साथ करिए, यू विल बी अनस्टॉपेबल। आई हैव 1 ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप। चमकते रहिए।